तो फ्रेंड्स, मैं अमित और आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पोल्ट्री नॉलेज पे स्वागत है। और दोस्त, आज हमारा ब्रॉयलर का 29 डेज चल रहा है। तो 29 डेज मतलब 28 डे अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, तो आप 28 डेज बोल सकते हो। और चिक्स का जो एवरेज ग्रोथ एक बार नज़दीक से देख लीजिए कि कैसा है। और इस बार को आप सभी को पता है कि मैं हवार्ड का चिक्स पाल रहा हूँ। और दोस्त, ये जो लिसनिल जो मेडिसिन है, इसका इस्तेमाल का प्रॉपर वे मैं बताऊंगा, तो वीडियो को आप एंड तक देखिए, जाके आपको पूरा पता चले ये जो मेडिसिन है इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता। और दोस्त, सबसे पहले आपको ये करना है कि फीडर को आधा से 45 मिनट पहले से फीडर और जो ड्रिंकर है उसको ऊपर कर लेना है, जाके चिक्स एक दाना भी फीड इनटेक ना कर पाए। को प्रॉपर वे में आपको मेंटेन करना है, क्योंकि आप अगर फीड के साथ ये जो लिसनिल का जो मेडिसिन है इसका इस्तेमाल करोगे, तो फीड में थोड़ा बहुत तो प्रोटीन, फैट या तो फिर कुछ मेडिसिन तो रहता है, तो ये जो लिसनिल है ये ठीक तरह से काम नहीं करेगा। तो आपको पहले से ही जो फीड है, फीड को ऊपर करना है और पानी का जो मेन गेट है उसको बंद करके रखना है। और आधा से एक घंटा बाद आप थोड़ा मतलब एक बाल्टी में जो जितना मेडिसिन आपको लगेगा उतना हिसाब से उसमें मिक्स करके एक एक ड्रिंकर में थोड़ा बहुत करके दे के चले जाइए। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ऑलरेडी जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो गया है और ड्रिंकर में थोड़ा बहुत ही पानी बचा है, जो कि और 5 से 7 मिनट के अंदर वो पानी पी लेगा। तो इस तरह से करना है। और जैसे दोस्त, ये जो मेडिसिन है, मेडिसिन का डोजेस तो आप मेंटेन कर रहे हो, लेकिन पानी का जो मात्रा है वो तो कम ही आपको देना है, जाके जल्द से जल्द ये जो मेडिसिन है इसको इंटेक कर ले। और दोस्त, आपको डिस्टर्ब करके रखना है चिक्स। जैसे अभी विंटर का सीजन है, आप देख पा रहे हैं कि साइड में जो चिक्स है वो बैठ के ही रह जाएगा, मतलब पानी तो इधर ख़त्म हो जाएगा, बाकी जो चिक्स है इधर उधर घूम रहा है वो तो पानी पी लेगा, लेकिन ये जो बैठने वाला जो चिक्स है इसको सफिशियंट पानी नहीं मिलेगा। तो आपको डिस्टर्ब करके रखना है, जाके चिक्स ठीक तरह से टोटल जो चिक्स है उसको टोटल चिक्स को ही पानी मिले। तो इस तरह से होने के बाद आप 10 से 15 मिनट के बाद फीडर जो है नीचे कर सकते हो। और दोस्तों, और एक बात बता दूं कि ये जो लिसनिल है ये एक्चुअली काम करता है आईवीएच के प्रोटेक्शन के लिए। और दोस्त, आप सभी को पता है कि 30 डेज के बाद हवार्ड जो चिक्स है इसमें मोर्टेलिटी थोड़ा हद तक बढ़ जाता है, तो वो जाके ना हो। एक्चुअली बहुत सारे फार्म्स में जैसे ही 30 डेज के बाद मोर्टेलिटी होता है तो उसमें पोस्टमार्टम करके पाया गया है कि उसमें आईवीएच का लक्षण भी थोड़ा बहुत रहता है, तो वो जाके ना हो, उसका प्री प्रोटेक्शन के लिए ये जो लिसनिल इसका इस्तेमाल कर दिया। इसका ग्रोथ के साथ कुछ लेना देना नहीं है, ये जस्ट प्री प्रोटेक्शन करेगा। तो दोस्तों, सोचा कि एक वीडियो बना के आप सभी के साथ शेयर कर लूँ, जाके आप सभी को पता चले कि किस तरह से इसको दिया जाता। दोस्त, आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगे। वीडियो अच्छा लगने पर प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जाके हर पॉल्ट्री फार्म भाई को मेरा सूचना मिल सके, उसका लाभ हो सके। धन्यवाद।